इस वीडियो में मैं आपको वो सबसे ज़रूरी और ताकतवर सीख दिखाने वाली हूँ जो मुझे मिली है। इसने मेरी एनर्जी को एकदम नए लेवल पर ले जाने में मदद की है, जिससे ज़िंदगी में लोगों से जुड़ना, अजीब सी इत्तफाकों और मौक़ों को समझना, ये सब एकदम नए तरीके से हो पाया है। यह एक ऐसा आइडिया है जिसने मुझे दूसरों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है और हर पल में अपनी पूरी ज़िंदगी जीना सिखाया है। अब मैं आपको वही टेक्निक बताना चाहती हूँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अंदर से पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले अभी आप अपने पास्ट को याद कीजिए, वो वक्त याद कीजिए जब आप सबसे ज़्यादा खुश थे। शायद कोई ऐसा पल जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप दिल से खुश थे। उस खुशी को याद करते वक्त मेरा एक सवाल है, उस खुशी के पल में आप क्या सोच रहे थे? आप गौर करेंगे कि आप सबसे ज़्यादा खुश थे, आप शायद कुछ भी नहीं सोच रहे थे उस टाइम। तो क्या ये बात सच है कि हम जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना कम खुश होते हैं, और जितना ज़्यादा में रहते हैं और इसी पल में जीते हैं उतना ही हम कम सोचते हैं और ज़्यादा खुश होते हैं, और हमारी एनर्जी का वाइब्रेशन भी हाई होता है। इसलिए शायद कई टीचर्स और बड़े बड़े गुरुओं ने भी कहा है कि एनलाइटमेंट का रास्ता खालीपन से होकर जाता है। उनका कहना है कि एनलाइटमेंट पाना कोई चीज़ हासिल करना नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है जो सबसे हाई वाइब्रेशन लेवल है, जिसको आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। आखिर में देखा जाए तो आप एक तरह के से वाइब्रेशन और एनर्जी के लेवल पर एंटीना की तरह होते हैं। हम सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं और ये फ्रीक्वेंसी हमारी वाइब्रेशन पर बहुत असर डालती है। जब मैंने अपने ख्यालों को देखना शुरू किया और सीखा तो मैं अपने वाइब्रेशन में बहुत जोर की छलांग लगाई। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने ख्यालों को देखने से मेरे अंदर ज़्यादा जगह बन गई, और इसी वजह से मैंने अलग से फील करना शुरू किया। अब ये समझने की बात है कि जब हम वाइब्रेशन के नीचे के लेवल पर होते हैं तो हम अपने ख्यालों के साथ बिल्कुल एक हो जाते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, गिल्ट में रहते हैं, हम शेम फील करते हैं, फिर हम वैसे ही लोगों को और वैसे ही घटनाओं को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी वाइब्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो छोड़ देने की और कम सोचने की ज़रूरत है। यह बात हैरानी की है कि जब आप अपने ख्यालों को देखते हैं और वो ख्याल चले जाते हैं, आपके दिमाग से निकल जाते हैं, तो आप ज़्यादा ऊँची वाइब्रेशन वाले ख्यालों को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे कि डिवाइन के ख्याल। ऐसा सोचो कि आप एनर्जी के एंटीना हैं और यहाँ थॉट्स फॉर्म्स हैं ये, लेकिन कल्पना करो कि आपकी एनर्जी फील्ड में चारों तरफ थॉट्स हैं। ये साइंस ने भी यही बात दिखाई है कि हमारा शरीर के बाहर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड होता है। कभी कभी आप बाहर जाते हो, किसी से मिलते हो, आप खुद को परेशान महसूस करते हो, ऐसा लगता है वो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं हो सकता है। और ऐसा अक्सर होता है कि आपके एनर्जी फील्ड में एक थॉट फॉर्म है जो एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि वो किसी और से टकरा रहा है। आप जितना कम सोचते हैं आपकी एनर्जी फील्ड से वो ख्याल उतना ही ज़्यादा निकल जाता है, उतने ही जल्दी निकल जाता है। जैसे आप हवा में एंटीना हो और आप अपने आस पास के सिग्नल्स को पकड़ रहे हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, लेकिन अब जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो वो आपके एनर्जी फील्ड से निकल जाते हैं और आप ज़्यादा शांत और ज़्यादा क्लियर महसूस करते हैं। फिर आप डिवाइन से ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ज़्यादा अच्छे ख्याल ले सकते हैं। जैसे मैं YouTube पर वीडियो बनाती हूँ, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अच्छा टाइटल चाहिए, बहुत अच्छा थंबनेल चाहिए, लेकिन जब मैं सिर्फ फ्लो में होती हूँ तो ये आइडियाज़ अपने आप ही आ जाते हैं। मेरे लिए ज़्यादा सोचने से फ़ायदा नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल ना सोचें, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप अपने ख्यालों को ऑब्ज़र्व करें। आप ये सोचते हैं कि आप वो ख्याल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप वो नहीं हैं, आप उन्हें सिर्फ देख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा आप उन्हें देखते हैं उतना ही वो आपके एनर्जी फील्ड से कमज़ोर होते हैं। आपको ऑब्ज़र्व करना है और उनको छोड़ देना है।
आप वो सोचते हैं वो आपके अनुभव बन जाते हैं। इसलिए जितना कम सोचते हैं और जितना ज़्यादा फ्लो में रहते हैं उतना अच्छा है। रोज़ अपने ख्यालों को देखने की आदत डालें, सोचने की जगह देखने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करें उनको। फ्लो में आने से आपकी एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। ऐसी एनर्जी नई चीज़ें, नए लोगों और नए अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी ज़िंदगी में लेकर आती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे कमेंट करके बताइए कि बहुत क्या आप सोचते हैं इस बारे में और आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है इससे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।